ज़्यादा खुशी इस बात की है कि यू नो इस डिजिटल दौर में द हाउस वाइफ्स हु आर वॉचिंग द शो. नहीं तो हाउस वाइफ अपने लिए लाइफ ईजी कर देती हैं कि चलो टी वी पर जो आएगा वो हम देखते हैं, बट दिस इज़ एन एफर्ट. वो ऐप डाउनलोड करते हैं, वो शो देखते हैं एंड देन दे ऑल्सो मैसेज यू विच इज़ ब्यूटिफुल. मुझे तो बहुत खुशी है. Well, there's lots of overwhelming messages. पर मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट सबसे अच्छा ये था कि किसी ने मुझसे कहा था कि दैट वी आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज कि आप वो जिसने टाइपराइटर यू नो दैट यू आर इन टाइपराइटर एंड आप इसमें एकदम अलग लग रहे हो यू नो. सो आई वाज लाइक वाओ दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर एन एक्टर. तो आई वाज वेरी ओवरवेलम्ड बाय दैट. वाज लाइक यू नो थैंक यू. थोड़ा ब्रीफ में मिशन ओवर मंगल के बारे में जानना चाहूंगी. क्या मैसेज दे रही है ओवरऑल? जो इसरो ने पूरे हिंदुस्तान को दिया था, पूरे देश को दिया था, पूरे वर्ल्ड को दिया था, ये वही मैसेज है दैट नथिंग इज रियली इम्पॉसिबल इफ यू बिलीव इन योर ड्रीम्स. मार्स के आप कहीं पे भी जा सकते हैं. यस या दैट्स फैंटास्टिक वेल पुट. आप सबसे जानना चाहूंगी इस वेब सीरीज के पार्ट कैसे बने, किसने ये अप्रोच किया आपको और फिर ऑफर कैसे आया और सबसे पहला थॉट क्या आया इस वेब सीरीज को? मुझे तो कॉल आया, कास्टिंग टीम से कॉल आया था कि एक ऐसी पगली सी लड़की है जिसका रोल है जो साइंस की बातें समझती है और उसे इमोशंस का कोई तालमेल नहीं है. तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि ऐसा तो मैंने कुछ कभी किया नहीं पहले. तो फिर मैं चली गई टेस्ट के लिए और मुझे बोला गया कि एकदम डेड पैन सी है वो और एकदम बड़बड़ करके बात करती है. तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा. एंड देन ऑफकोर्स आई न्यू विनय वेकुल के साथ मैंने एक पहले एक शॉर्ट फिल्म की थी एंड यू नो ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर. And of course, it was an alt Balaji show, so everything came together. So it was an exciting project for me. मैं आपसे जानना चाहूँगी आप कैसे plan करेंगे? मुझे actually 1.5 साल पहले approach किया गया था, but of course तब बना नहीं due to some reasons. फिर मुझे Endemol से call आया था and I got a call from Asar, Vinay sir and Mrinalini and they approached me. फिर मैं उनसे मिलने गई and they told me कि मौसमी कैसी है, झगड़ालू है, aggressive है, ये है, वो है. ऐसे like wow, ये मैंने कभी नहीं किया. So I said yes and of course ये जो story है पूरे you know भारतीयों को देखनी चाहिए and that was also one of the reasons to say yes. तो मुझे call आया मेरे एजेंट्स मेरे मैनेजमेंट टीम से कि Endemol wants to meet you. तो मैं एक नॉर्मल मीटिंग करने गई थी. मुझे आई हैड नो आइडिया. आई थॉट इट्स लाइक दैट आइस ब्रेकर दैट यूजुअली यू गो इन फॉर अ मीटिंग एंड से वुड लव टू वर्क टुगेदर काइंड ऑफ अ थिंग. तो मुझे नहीं पता था दैट आई वाज गोइंग टू बी ऑफर्ड समथिंग एंड दैट्स व्हेन विनय सर मेट मी स्ट्रेट एंड ही टोल्ड मी अबाउट द फैक्ट दैट दे आर मेकिंग अ शो ऑन मंगलयान मिशन ओवर मार्स. उस टाइम नाम वो नहीं था. तो आई वॉज अ लिटल लाइक टेकन अबैक. आई वाज लाइक इसी तो फिल्म बन गई है. And I was like, wow, you guys are making a show. This is so interesting. And what are you thinking of me for? Matlab, which part? And then you're like one of the four scientists. And I was like, scientist? So we just have my whole school ke aise flashes aaye. Jo red se mark hota tha mere proposal. Maine kaha main scientist hoon. So haan, matlab aisa hi. But jokes apart, I was just very, very humbled that he thought I could play that character. And then फिर second stage हुआ when थोड़ी सी राइटिंग हो गई थी एंड बाय देन दे हैड मेट यू. सो दे टोल्ड मी एंड बाय द वे बिकॉज आई लव्ड हर कैरेक्टर मौसमी बिकॉज आई एम एक्चुअली लाइक दैट इन रियल लाइफ. नो वंडर वी डोंट गेट अलोंग. की प्लीज क्यों आप कैसे हो? नहीं आप अपने कैरेक्टर से रिलेट कर पाए? बिल्कुल नहीं. Honesty. Yeah, but it's true. But it was a character I really wanted to play, but I'm not necessarily like her at all. So her character, I got to know that Mona is playing. I was like, Mona Singh. So yeah, that was it. And then फिर हो गया. आप लोग जिस type के character play कर रहे हैं, so कितना challenging रहा और कितना मजेदार रहा? चैलेंजिंग तो था मेरे लिए. तो था कि बिकॉज सी मेरा जो कैरेक्टर है ना वो बहुत इमोशनल क्वेश्चन पे बहुत लो है. और हमारा क्या होता है एज इंडियंस एंड एज एन इंडियन ऑडियंस एंड इवन मेकर्स हमारे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े इमोशनल होते हैं. तो टू काइंड ऑफ हैव अ डेड पैन नॉन इमोशनल पर्सन एंड स्टिल बी एबल टू रिलेट टू द ऑडियंस वॉज डेफिनेटली अ चैलेंज. एंड थैंकफुली विनय हैड रिटन इट इन अ सर्टन वे जो जिससे मुझे आसानी हो गई एंड उनका भी बहुत हेल्प मिला. बट दैट वाज माय बिगेस्ट चैलेंज टू हाउ टू क्रैक हर यू नो. मैम आपसे
मेरे लिए चैलेंजिंग था कि ये लड़ाकू है, ये डिप्लोमेटिक नहीं है, ये सच बोलती है तो कड़वा सच बोलती है, यू नो, इसको शुगर कोटिंग करना नहीं आता है, बहुत एम्बिशियस है, एक एवरेज मदर है जो अपनी बेटी के लिए पागल नहीं है, बट शी केयर्स फॉर हर, मतलब बेटी का बर्थडे भूल जाना उसको बाद में गिल्ट फीलिंग आती है, लेकिन उस वक्त शी डजंट फील कि अरे उसके लिए मिशन सब कुछ है. सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एट ऑल. तो मेरे लिए येस इट वॉज क्वाइट अ चैलेंज कि ये मौसमी कैसे लड़ेगी, कैसे बातें करेगी, इसका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, बंगाली कैरेक्टर जो मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया, तो काकी का डिफरेंस मैं हटाना चाहती थी क्योंकि नॉर्मली बंगाली लोग काकी का फ़र्क नहीं रखते हैं. तो या ऑल दोज थिंग्स यू नो, और जल्दी जल्दी बोलती है, हाइपर है. सो चैलेंजिंग था बट मज़ा आया. इट वाज सो फन टू लाइक सी, आई मीन बोथ ऑफ यू एंड इवन साक्षी स्विच. Off camera, we were all ourselves, and then the minute camera would come on, everybody was their character. Yeah, so yeah. Even she, वैसे लड़ाकू है. Camera जैसे on होता तो sweet हो जाती थी. माँ तो कभी निराश नहीं करती. Whatever. अभी लड़ाई करेंगे. Excuse me. हाँ. Oh, you didn't have to say kidding. Sorry. मेरे को कुछ बोलना था नहीं ना. Script. फिर उसको सिर्फ अपना एक आई थिंक मोर देन एनीथिंग जस्ट सबमिटिंग टू इट कि हाँ ये है, शी इज दैट पर्सन एंड आई एम दैट पर्सन व्हेन आई एम प्लेइंग हर. सो एंड दैट कम्स फ्रॉम अ होल लॉट ऑफ ट्रस्ट विद योर डायरेक्टर एंड योर को एक्ट्रेस. थैंक्स. सो इन अ वेब सीरीज व्हाट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर यू ऑल? इन अ वेब सीरीज कॉन्सेप्ट, योर कैरेक्टर. It should be challenging only then I say yes. I don't know about them. मतलब एक वेब सीरीज फॉर्मेट में क्या चैलेंजिंग लगता है? Is that what you're asking? मेरे लिए well this was the second but इससे पहले भी जब टाइपराइटर भी हो रहा था. क्या है कि आप एक फिल्म में 30 दिन काम करते हो, 30-35 दिन जो भी जितना भी आपका स्केड्यूल होता है, लेकिन ये बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है, तो एक उसके अलग चैलेंजेस हैं. मतलब एक चीज़ को सस्टेन्ड उतना लंबे समय तक रखना, उसके अलग फायदे भी हैं कि आपको उतना एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलता है. तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग चैलेंज टू हैव. इट्स नॉट अ बैड वन बट इट्स अ गुड वन. चैलेंज एक्चुअली फॉर मी, आई स्टार्टेड ऑफ विद अ वेब सीरीज. सो परमानेंट रूममेट्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट वेब सीरीज एवर. तो उस टाइम पता ही नहीं था हम क्या बना रहे हैं, एंड बट वी न्यू दैट इट्स अ लॉन्गिश फॉर्मेट, बट वो फिर भी छोटी थी. बट एज I'm doing more and more web series. I think it's not, it's a different format, of course, because each episode ke baad, you know, you need to have a cliffhanger and all of that. But wo actually makers ka, that is their outlook. For us, when you read the script and you, for me, it is so, this, that, if I read the script and I know that I will want to watch this, that's when I say yes. आपको इस वेब सीरीज में क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत ही इंस्पायरिंग है. सो आप तीनों तीन चीज कुछ ऐसी बताएं जो इंस्पायर करे, आपको इंस्पायर किया. तीन चीजें? या तीन चीजें. पहली बात कि मार्स अर्थ से 6022 मिलियन किलोमीटर दूर है. That's good knowledge. Yeah. Very good. Or moon 324 million kilometers. Such a scientist. And then the other method. I think, you know, जो हमने सीखा है ना, it is all about never giving up. Okay. It is about never doubting your capabilities, your abilities. क्योंकि डाउट आपके मन में भरने के लिए पूरी दुनिया बैठी है कि तुमसे तो नहीं होगा. तो वो कभी अपने मन में नहीं लाना चाहिए. एंड दिस वेब सीरीज हैज दैट यू नो फोर्स कि अगर आपने इतना बड़ा सोचा है, इतनी बड़ी जंप मारने की सोची है, तो मार लो. नॉट सेकंड गेसिंग. नो सेकंड गेसिंग. जस्ट नोइंग कि ये करना है तो ये करना है. एंड आल्सो व्हाट आई रियली लाइक्ड वाज कि चारों
all four females were very different people, but they had one common purpose. और उसमें वो चारों साथ में आ जाते हैं and knowing that you can be very very different from the other person, but if you love the same thing, you can work together. You can you know make things happen. And वो बहुत मजेदार था तो experience that on set. टेलीविजन या फिर मूवीज से कितना अलग होता है वेब सीरीज, कितना डिफिकल्ट या इजी होता है आप लोग? देखो इजी तो कुछ भी नहीं होता. आप टीवी बात करो, स्टेज बात करो, मूवी या ओटीटी, इट्स नेवर इजी. इजी है तो इट्स नॉट वर्थ इट. तो अलग है बिकॉज सबका अपना अपना एक टेक होता है, यू नो, सबका अपना अपना शूटिंग का एक प्रोसेस होता है. टीवी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता बिकॉज इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी. वेब सीरीज में आपको काफ़ी टाइम मिलता है प्रेपरेशन का, मूवीज में आपको काफ़ी टाइम मिलता है प्रेपरेशन का. तो दिस इज़ अ वेरी गुड चेंज. I mean, coming from her, she's like the queen. Yes, yeah. Of everything. She's a queen of everything. Like she's, oh, please. Please. She's the reason I'm watching TV, actually. I should never watch it otherwise also. Panasonic or Onida? Onida. So I watched her because I started watching TV regularly because of Jassi. I should never watch it. I'm hippie bure ure kuch, sorry. But like, I should never watch it. My attention span hi nahi tha. But because of her, I was like, wow, what a fun character. Hey, I've always wanted to see this on camera. Let's say Jassi koi nahi together. Oh, main bhi bolu. Haan, tum bhi bologe. Nahi, kyun? Hum log iske liye bolenge Jassi koi nahi. To tum koi nahi bol sakte. Acha, theek hai. Okay. 1, 2, 3, 4. Jassi koi nahi. ये बहुत एक्सप्रेसिव है. मतलब कैमरा तो भूल जाओ, कैमरा जब रोल नहीं भी हो रहा है ये बहुत एक्सप्रेसिव है. तो इन्होंने नया एक अपना यू नो पर्सनल स्पॉट बॉय रखा था, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे बात कैसे करें. तो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस कैसे देने. तो नाश्ते का टाइम था इवनिंग, तो इन्होंने अपने स्पॉट बॉय को अंदर बुलाया. तो इन्होंने बोला, नाश्ते में क्या है? तो स्पॉट बॉय ने बोला, शायद से साबुदाना वड़ा है. तो इसने उनको देखा, बोले साबुदाना वड़ा. मैंने इनको देखा, ये क्या हो गया भाई? तो फिर साबुदाना वड़ा का बाइट लिया. बहुत यम्मी है. थैंक यू दादा. आप भी खा लो. वी जस्ट हैड अ लॉट ऑफ जोक्स अबाउट इट. आई कॉल हर साबु. सबसे ये जानना चाहूंगी कि एकता कपूर के साथ आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस? मैं तो अभी तक मिली नहीं हूँ. एंड टाइम एक बार मिली हूँ. हमारा जब ट्रेलर लॉन्च हो रहा था तब हमने हेलो किया एक दूसरे को. बट आई नेवर बट उनसे ऑफ कोर्स किसी को इंट्रोडक्शन, आई मीन मुझे तो डेफिनेटली आई एवरीबॉडी नोज एकता एंड एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग शी डज एंड ऑल द वंडरफुल थिंग्स दैट शी डज. बट आई नेवर पर्सनली मेट हर बियॉन्ड द शो वंस. या मैम, आप तो बहुत पहले से उन्हें जानती हैं. सो मैंने काफी सारे शोज भी किए हैं. 2013 से चल रहा है. 12 आई स्टार्टेड विद क्या हुआ तेरा वादा. तो ये मेरा चौथा शो है उनके साथ. 7 years. Yeah. Wow. Yeah. मेरा इंटरेक्शन उनसे अपहरण के ट्रेलर लॉन्च पे पहली बार हुआ था. बट ऑब्वियसली उसके पहले मुझे पता था क्योंकि एड स्टॉर्म ने प्रोड्यूस किया था. तो आई नेवर गॉट टू मीट हर बट आई मेट हर एट द ट्रेलर लॉन्च एंड शी इज एज फैब एज शी इज एंड शी इज ऑल्सो एट द सेम टाइम शी इज very nurturing. She has this amazing quality about like being caring about you as well, like even though she has 5,000 things going on in her head. So I dusra interaction mein mera trailer launch bhi tha apne Vishnu Orman. So you don't get to like spend a lot of time with her, but you know she's there, she makes her presence felt, and she's also very encouraging, like even if it is on Instagram or you know or anything like that, she's very encouraging. She's always very like peep thap thap aati rehti, very nice. इन फ्यूचर आप किस टाइप का कैरेक्टर करना पसंद करेंगी? वो अभी तो नहीं पता यार, मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया अभी. मैं आपको मतलब मैं तो लिस्ट दे सकती हूँ पर उसमें एक और घंटा लगेगा. आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए. मेरा सीजन 3 अभी चालू होने वाला है, कहने को हम सफर है. सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट. ओके, एंड लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे कि